नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जसनाथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा VMOU वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी जिसके एग्ज़ाम के बारे में। आपको साथियों मैं बता दूं, जो भी यह वीडियो देख रहा है सभी के लिए यह एक ज़रूरी न्यूज है। और वैसे मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी थी, लेकिन मेरा मन था कि वीडियो में भी मैं बता दूं ताकि कोई स्टूडेंट के और कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। तो ओपन यूनिवर्सिटी ज़्यादातर आजकल स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके साथ में ओपन यूनिवर्सिटी VMOU से बैचलर का कोई भी, जैसे कि BA का, BSc का कोर्स करते हैं, उसके अलावा PG का कोर्स, MA या MSc करते हैं। तो कई वर्षों से स्टूडेंट के कंफ्यूजन था कि हम क्या एक साथ दो डिग्री कर सकते हैं। वैसे साथियों मैं आपको बता दूं, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd हमेशा रेगुलर होती है, चाहे आप कहीं से भी करो। जैसे कि इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और कोटा ओपन भी BEd करवाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अलग जो ज़रूरी योग्यता है वो रखी गई है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट केवल PTT के माध्यम से ही कर सकता है या किसी अदर स्टेट से BEd कर सकता है, तो रेगुलरली BEd होती है। उसके साथ में आप एक कोर्स कोई भी प्राइवेट कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो नोटिफिकेशन है 23 मार्च का आप देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने डाला था, उसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि कोई भी स्टूडेंट एक ही सत्र में दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्र के रूप में दो डिग्री अर्जित कर सकता है। लेकिन UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वो ये स्पष्ट करता है कि कोई भी स्टूडेंट दो डिग्रियां एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में जो पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2 साल में 2 डिग्री की हुई और वो मान्य की थी और आगे भी मान्य होगी, ये राजस्थान सरकार ने बोला है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट राजस्थान के हैं और लगभग 100% राजस्थान के होंगे जो मेरे से जुड़े हैं। तो राजस्थान के स्टूडेंट 2 डिग्री कर लें, आप ओपन से मास्टर की डिग्री कर लें और BEd रेगुलर कर लें। तो ओपन यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो भी पिछले साल की तरह ही रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर आएगा। और जैसा कि JNU का जो इस साल का पैटर्न है वैसा ही पैटर्न राजस्थान यूनिवर्सिटी का रहने वाला है और वैसा ही VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। तो साथियों मेरा इस न्यूज़ को बताने का मतलब था कि अब जो कोविड वाला पैटर्न है उस पैटर्न से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दें। और आने वाले समय में वापस 3 घंटे के पेपर होंगे, तो यदि रेगुलर BEd कर रहे हैं तो वो कोटा ओपन VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो MSc या MA कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के और भी कंफ्यूजन है कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है जो VMOU, वहाँ से पहले क्या हुआ था, MSc होना बंद हो गई थी लेकिन अब वापस स्टार्ट हो गई है, तो आप MSc आराम से कर सकते हैं, कोविड वाला पैटर्न रहेगा। और अब लग ऐसा रहा है कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो कोविड वाला ही रहेगा, तो आप आराम से तैयारी कीजिए। मेरे को ये बताना था कि जो भी स्टूडेंट रेगुलर BEd कर रहे हैं वो एक डिग्री ओपन बोर्ड में कर लें, और उसके साथ ही आप अलग अलग विश्वविद्यालय से करें रेगुलर। आप यदि JNU से ही रेगुलर BEd कर रहे हैं और JNU से ही ओपन बोर्ड में कोई भी डिग्री नहीं करें, आप अलग अलग विश्वविद्यालय एक डिग्री VMOU से और एक JNU से, या एक राजस्थान यूनिवर्सिटी से और एक VMOU से एक डिग्री रेगुलर और एक ओपन बोर्ड में कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि कोई भी BSTC कर रहा है, BSTC भी रेगुलर होती है, उसके साथ में आप ओपन बोर्ड में बैचलर की डिग्री, BA या BSc की डिग्री कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी आपके लिए महत्वपूर्ण जो मैंने बता दी। तो जय नंद व्यास यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट BEd कर रहे हैं या अन्य कोई कोर्स कर रहे हैं BSc का या BA का, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।